सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं विपुल, आप देखना चालू कर चुके हैं सरफेस टेक। सो गाइस, एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर काफ़ी सारे नए अपडेट्स लाया है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैसेजेस के बारे में। मैसेजेस के अंदर हमको क्या क्या अपडेट्स मिले हैं, एप्पल ने जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लिए हैं वो मैंने सभी चैनल पर डाल दिए हैं सेपरेट करके। सो अभी बात करने वाला हूं मैं मैसेजेस के अंदर हमको क्या क्या अपडेट मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको अपडेट मिलने वाला है फ़ोटोज़ के अंदर। कोई आपको फ़ोटो भेज रहा है तो वो एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में नहीं आने वाला, कि फॉर एग्जांपल वन बाय वन ऐसे नहीं आने वाला। इसके अंदर अभी हमको अलग तरीके से दिन मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमको 2-3 फ़ोटोज़ भेज रहा है तो इस तरीके से हमको मिलने वाला है। उसके बाद कोई हमको बल्क में फ़ोटोज़ भेज रहा है तो हमको ऐसा स्टैक करके मिलने वाला है। इसको आप राइट लेफ्ट स्वैप भी कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। और साथ में पर्टिकुलर एक फ़ोटो के अंदर आप रिप्लाई भी भेज सकते हो, तो इसका मतलब मैसेजेस के अंदर आपको कोई भी फ़ोटोज़ भेज रहा है तो काफ़ी अलग तरीके से हमको निखर के दिखने वाला है ये फ़ोटोज़। सो गाइस, आगे बढ़े तो अभी हमको एप्पल iOS 15 के अंदर एक नया अपडेट मिलने वाला है शेयर्ड विद यू करके। शेयर्ड विद यू का मतलब क्या है, पूरे मोबाइल के अंदर हमको चाहे मेल आए या मैसेज आए या फ़ोटोज़ के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर किधर से भी कुछ भी आए, हमको शेयर्ड विद यू सेक्शन हर एक जगह पे हमको देखने मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई मैसेज कर रहा है, मैसेज के अंदर मेरे को कोई बता रहा है कोई न्यूज़ है छोटी मोटी, तो वो मेरे को मेरा जो एप्पल का डिवाइस है उसके अंदर जो न्यूज़ की एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली शेयर्ड विद यू ऑप्शन आ जाएगा सबसे नीचे। इसका मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये शेयर किया कि भाई ये सजेस्ट किया है तो ये भी पढ़ ले, भले ही मैं पर्टिकुलर मैसेजेस के अंदर जाके उसको ना देखूँ तो भी मेरे को वहाँ पर बता देगा ये न्यूज़ तेरे फ्रेंड की तरफ से आई थी। और उसी आर्टिकल से नीचे से मैं डायरेक्टली उसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ कि भाई ऐसा है या वैसा है, ठीक है। दूसरी बात करें तो मेरे को किसी ने अगर फ़ोटो भेजा है तो मेरे फ़ोटोज़ के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जगह में हम चारों फ्रेंड्स एक जगह पर गए थे, तो मेरे कोई एक फ्रेंड ने उस जगह लोकेशन के फ़ोटोज़ भेजे हैं और मैंने भी अपने आईफोन से खींचे थे, तो मेरा आईफोन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि भाई हम कौन सी जगह पे गए थे और मेरे फ्रेंड ने भेजे हैं, वो दोनों फ़ोटो सिमिलर हैं, उन दोनों को मिला के वो एक ही लाइब्रेरी में रख देगा कि भाई इस डेट को आप इस जगह पे गए थे, तो मेरे को पर्टिकुलर उसको सेव या स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। भले मैंने खींचे कि उसने खींचे, उस पर्टिकुलर लोकेशन के सभी फ़ोटोज़ हमको मिल जाने वाले हैं एक ही जगह पर हमारे लाइब्रेरी में। काफ़ी अच्छा हमको ये अपडेट मिल रहा है। सो गाइस, अभी बात करें तो लास्ट अपडेट की, इसके अंदर हमको कुछ न्यू इमोजेस देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। छोटे मोटे कुछ हमको न्यू इमोजेस देखने को मिल जाएंगे और आप राइट साइड पे देख सकते हो किस तरीके से हमको मैसेजेस के अंदर फोटोज़ अभी दिखेंगे। ये मुझे काफ़ी अच्छा वाला अपडेट लगा। सो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं इधर ही। अगले वीडियोस आपको देखने हैं अपडेट WWDC के, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, वो चैनल पर डेफिनेटली विजिट कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। टिल देन, बाय बाय।